चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। कह रहा है लार्जेस्ट लोड इन न्यूटन, ठीक है, दैट कैन बी सस्पेंडेड विदाउट मूविंग ब्लॉक्स ए एंड बी इज इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ऑल प्लेन सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.3। ब्लॉक ए वेट 5 न्यूटन एंड ब्लॉक बी वेट इज 10 न्यूटन, ए और बी का वेट दिया हुआ है। निगलेक्ट द फ्रिक्शन इन द पुली सिस्टम, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो, ठीक है, क्या कह रहा है, ये जो प्लेन सरफेस है ये भी प्लेन सरफेस है, ए और बी के बीच का सरफेस भी प्लेन है, ठीक है, ए और बी का सरफेस भी ये वाला प्लेन है, और ये जो जिसपे बी ब्लॉक रखा हुआ है ये भी प्लेन है, तो ये दोनों ही प्लेन सरफेस हैं, तो इन दोनों का कोफिशियंट और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.3 होगी, इसकी वैल्यू भी 0.3 और इसकी वैल्यू भी 0.3। मैंने बहुत छोटा लिख दिया, 0.3 इसकी वैल्यू और इस सरफेस दोनों की वैल्यू 0.3 है, करेक्ट है, 0.3। अब ये ए जो है 5 न्यूटन का वेट है इसका, बी का है 10 न्यूटन का वेट, करेक्ट है। इसमें थ्रेड कंसिडर कर लो, थ्रेड लग रहा है, थ्रेड में टेंशन है T1, एज्यूम करो इसका मास है कैपिटल एम सी का, तो कैपिटल एम जी नीचे लगेगा थ्रेड में, टेंशन ये इक्विलिब्रियम में है तो T1 इज इक्वल टू एम जी होगा, इक्विलिब्रियम रखना है हमको, ठीक है। थ्रेड में टेंशन इधर भी T1 होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक थ्रेड है। अच्छा इधर थ्रेड में टेंशन मान लेते हैं T2, तो यहां और यहां इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में T2/2, इधर भी T2/2 और यहां भी T2/2 होगा, सही है। ये मैंने फिगर में ही सब कुछ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले फ्रिक्शन, ए और बी ब्लॉक का फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर पे आ जाते हैं, फिगर हम बनाते हैं, जरा फिगर देखो, ए ब्लॉक का फिगर कैसे होगा, ए ब्लॉक ये है, अच्छा सी ब्लॉक नीचे जाना चाहता है तो बी ब्लॉक भी लेफ्ट साइड में जाना चाहेगा, बी ब्लॉक अगर लेफ्ट साइड में जाना चाहेगा, बी ब्लॉक लेफ्ट साइड में जाना चाहता है, T1 इस पे फोर्स लगा रहा है इधर खींचने के लिए, तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन होगा, ग्राउंड ये जो ग्राउंड है वो किधर फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे, इधर की तरफ, इसको FR1 मान लेते हैं, ठीक है, इधर जाना चाहेगा तो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा अगर ये इधर जाना चाह रहा है तो ए ब्लॉक भी तो इधर ही फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा FR2, और इस एक्शन का रिएक्शन ए ब्लॉक पे किधर लगेगा, FR2 इधर लगेगा, करेक्ट है। और ए ब्लॉक पे टेंशन कितना है, T2/2 टेंशन जो थ्रेड की वजह से लग रहा है, T2/2। अच्छा इस बी ब्लॉक पे एक और टेंशन है वो इधर की तरफ है, T2 राइट साइड में, ये एक T2 इधर भी लग रहा है, करेक्ट है, T2 इधर लग रहा है, ए पे T2/2 लग रहा है, बी पे T2 लग रहा है, और FR1 FR2 दोनों राइट साइड में लग रहा है और T1 लेफ्ट साइड में लग रहा है, करेक्ट है, यहां तक सही है, ठीक है। और ये सभी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ए रेस्ट पे है, अगर FBD आप बताएं बनाए इसका, एक FBD बनाओगे तो मैं यहीं पे बना देता हूं, MA into G नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ Na MA into G के बराबर होगा, MA into G के बराबर। अब B पे नॉर्मल रिएक्शन, B पे थोड़ा अलग बना देते हैं वरना मिक्स हो जाएगा, कितना होगा, कैपिटल MA plus कैपिटल MB into G, ये रिएक्शन एक्शन फोर्स होगा, उसका रिएक्शन एनबी, एनबी की वैल्यू इसी के इक्वल होगी, MA plus MB into G के इक्वल है, करेक्ट है, ये हो गया। और ये FBD मैं बना रहा हूं, FBD ऑफ B, तो FBD ऑफ B का इसमें FR2 इधर लगा, FR1 इधर लगा और T2 इधर लगा और एक T1 इधर लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ए बी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बी बी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, कि मास सी का
सी का मास कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लोड, लार्जेस्ट लोड दैट कैन, ठीक है, जो इसको रोक सके, करेक्ट है, वही समझ में, विदाउट मूविंग बोल रहा है ना यहाँ क्वेश्चन, देखो ठीक है। तो अगर मैं इस ए ब्लॉक की बात करूं तो ए ब्लॉक में एफ आर टू इज इक्वल टू होगा टी टू बाई टू, और यहां पर कितना होगा सेकेंड बॉडी के लिए, मीन बी बॉडी के लिए क्या होगा, देखो बी बॉडी के लिए टी वन इज इक्वल टू स्टेबल एफ आर वन, इधर लिखना चाहिए था ना, एफ आर वन ये है, एफ आर टू ये, सो एफ आर वन प्लस एफ आर टू प्लस टी टू, ठीक है, करेक्ट है। अब एफ आर वन एफ आर टू की वैल्यू कितनी है, पहले इधर से अलग से निकाल लेते हैं, एफ आर वन इज इक्वल टू एन ए म्यू इंटू एन ए, म्यू इंटू एन ए, म्यू की वैल्यू 0.3, एन ए की वैल्यू कितनी होगी, एन ए की वैल्यू चेक करो जरा, एन ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू एम ए इंटू जी, और वो दिया हुआ है 5 न्यूटन, एन ए की वैल्यू हो गई 5 न्यूटन, ये वैल्यू यहां रख दो 5, ये कितना आ जाएगा 1.5 न्यूटन एफ आर वन की वैल्यू, ठीक है। अब एफ आर टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ आर टू इज इक्वल टू म्यू इंटू एन बी, म्यू की वैल्यू 0.3, और एन बी की वैल्यू कहाँ लिखा है हमने, एन बी की वैल्यू, एन बी की वैल्यू ये है, एन बी सॉरी एन बी की वैल्यू ये है, एन बी ये मैंने लिखा हुआ है, एन बी की वैल्यू कितना होगा 5 + 10 = 15 न्यूटन ना, 4.5 न्यूटन हो जाएगा, 4.5 न्यूटन एफ आर टू की वैल्यू, एफ आर वन निकल गया, एफ आर टू निकल गया, अब ये वैल्यू यहां रख दो, एफ आर टू की वैल्यू यहां रखो 4.5 इज इक्वल टू टी टू बाई टू, टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी टू इज इक्वल टू 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है 9 न्यूटन, और ये वैल्यू अभी टी वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी वन इज इक्वल टू एफ आर वन की वैल्यू कितनी निकाली थी 1.5, एफ आर टू की वैल्यू कितनी थी 4.5 प्लस टी टू की वैल्यू कितनी है 9, टोटल कितना आएगा 15 न्यूटन, टी वन इज इक्वल टू 15 न्यूटन, टी वन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन, करेक्ट है। तो लोड की वैल्यू न्यूटन में पता करनी थी, 15 न्यूटन आ गई, ऑप्शन में है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 15 न्यूटन, सी का जो वेट होगा वो 15 न्यूटन होगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।